बॉलीवुड और कॉन्ट्रोवर्सीज अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और जब बात हो विवादों की तो भट्ट परिवार कॉन्ट्रोवर्सीज में सबसे आगे है। और दोस्तों, आज हम आपको भट्ट परिवार की ही कुछ बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बताने वाले हैं। महेश भट्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वहीं महेश भट्ट की पहली पत्नी से उनकी बेटी का नाम है पूजा भट्ट। महेश भट्ट की एक क्वालिटी ये रही है कि वो लोगों को बोल्ड कंटेंट वाली ज्यादा से ज्यादा फिल्में दिखाते हैं, और इसी वजह से उनकी ज्यादातर फिल्में सफल भी रहती हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट अपने पिता से अलग रहते थे, उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। महेश भट्ट के पिता हिंदू और माता मुस्लिम थी, इसलिए वो दोनों से दूर ही रहते थे। महेश भट्ट कॉलेज के जमाने से ही बहुत ज्यादा रोमांटिक किस्म के इंसान थे। कॉलेज के समय में वो लॉरियन ब्राइट नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। बाद में उन्होंने लॉरियन का नाम बदलकर किरण कर दिया था। किरण से महेश भट्ट के दो बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। लेकिन शादी के बाद भी महेश भट्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रुके नहीं। वो आशिक मिजाज के आदमी हैं, इसी वजह से महेश भट्ट के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे। साल 1987 में परवीन बाबी और महेश भट्ट एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उस समय महेश भट्ट शादीशुदा थे, जबकि परवीन कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप के सदमे से उभर रही थी। परवीन भले ही महेश के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उनकी पिछली प्रेम कहानी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कहते हैं कि महेश के साथ रिश्ते के दौरान ही वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। फिर महेश भट्ट की जिंदगी में एंट्री हुई सोनी राजदान की, और जब महेश की पत्नी किरण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने महेश भट्ट से तलाक ले लिया। महेश भट्ट इतने आशिक मिजाज थे कि उस समय वो परवीन बाबी को डेट कर रहे थे, पर तब तक वो उनसे बोर हो चुके थे और उनसे दूरियां बढ़ाने लगे। फिर महेश ने सोनी राजदान से शादी की, और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया था। सोनी राजदान से महेश भट्ट की दो बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अफेयर्स की खबरें तो आम है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एक बाप अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता है? इसकी उम्मीद आप महेश भट्ट से ही लगा सकते हैं। महेश भट्ट उस समय चर्चाओं में आ गए थे जब एक मैगजीन के कवर पर उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप लॉक करते हुए तस्वीरें खिंचवाई थीं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया था कि वो पूजा से शादी करना चाहते हैं। महेश भट्ट ने कहा कि यदि पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उनसे शादी भी कर लेता। हर किसी की एक निजी जिंदगी होती है और उसे कुछ भी करने का हक है। वहीं महेश भट्ट के इस इंटरव्यू के बाद ये बातें भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थीं कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट और सोनी राजदान की दो बेटियां हैं, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। महेश भट्ट की बेटी शाहीन भट्ट डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं। डिप्रेशन के साथ साथ उन्हें इंसोम्निया की भी बीमारी है। जहां आलिया भट्ट हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं, तो वहीं इनकी बहन शाहीन भट्ट को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन के अलावा रात को नींद ना आने की बीमारी से भी परेशान है। इस बारे में आलिया ने भी कई इंटरव्यूज में बताया है। ऐसे में आलिया अपनी बहन के साथ काफी समय बिताती हैं और उनको इस बीमारी से बाहर निकलने में सपोर्ट भी करती हैं। शाहीन भट्ट बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली लड़की हैं और वो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करती हैं। उनका एक्टिंग में तो कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि वो जिस्म 2 और जहर जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिख चुकी हैं। इसके अलावा वो राज 3 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। शाहीन भट्ट को फिल्म मेकिंग में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं। वहीं अगर बात करें महेश भट्ट की एक और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो वो ये है कि महेश भट्ट का नाम हाल फिलहाल में ही रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह काफी समय से रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे, वहीं रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ भी काफी नजदीकियां देखने को मिलती थीं।
रिया और महेश का ये रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब 2018 में महेश भट्ट के 70वें जन्मदिन पर रिया ने कई तस्वीरें पोस्ट की और उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे टू माय बुद्धा एट महेश फिल्म्स डॉट सर, दिस इज अस, यू हेल्प मी विद लव, यू शोड मी लव एंड यू हैव अनक्लिप्ड माय विंग्स फॉरएवर. You are the heart-hitting fire that ignites every soul it comes by. Words fail me. I love you. रिया चक्रवर्ती की इस पोस्ट के बाद से ही उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाने लगा था कि वो अपने पिता की उम्र के महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। वहीं इसके अलावा महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी कई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिए थे जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाने लगा था. इसके अलावा महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये भी बयान दिया था कि सुशांत को आवाजें सुनाई देने लगी थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मार देगा. सुशांत बहुत गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे और उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था. सुशांत सिंह राजपूत एक बार भट्ट साहब से सड़क 2 के सिलसिले में मिलने आए थे. वो बहुत बातूनी थे, वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते थे, फिर चाहे वो क्वांटम फिजिक्स ही क्यों ना हो. सुशांत सिंह राजपूत के इस रवैये को देखकर महेश भट्ट को ये समझ आ गया कि सुशांत की हालत परवीन बाबी जैसी हो चुकी है. महेश भट्ट का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत गहरे डिप्रेशन में जा चुके हैं. इन सब के अलावा महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह से दूर रहने की भी सलाह दी थी और अगर वो उनके साथ रहती है तो उन पर भी उसका गहरा असर पड़ सकता है. वहीं अगर बात करें विक्रम भट्ट की तो विक्रम भट्ट वैसे तो भट्ट कैंप का या भट्ट परिवार का हिस्सा नहीं है, इनका सिर्फ सरनेम ही सेम है. लेकिन विक्रम भट्ट भी महेश भट्ट से कुछ कम नहीं है. विक्रम भट्ट के भी कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स रह चुके हैं. विक्रम भट्ट ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के साथ साथ वो अपने अफेयर्स की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. फिर चाहे उनका अफेयर अमीषा पटेल के साथ रहा हो या बॉलीवुड की डीवा सुष्मिता सेन के साथ. विक्रम भट्ट ने अपने बचपन की दोस्त अदिति से शादी की थी, लेकिन सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी शादी भी टूट गई थी. लेकिन उनका रिश्ता सुष्मिता के साथ भी ज्यादा नहीं चल पाया. फिर इनकी जिंदगी में अमीषा पटेल की एंट्री हुई, जिस वजह से अमीषा को भी काफी ट्रोल किया जाता था और अमीषा पटेल ने भी अपना बढ़ता हुआ करियर विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आकर बिल्कुल बर्बाद कर लिया था. तो दोस्तों, आपको भट्ट परिवार के बारे में ये सभी कॉन्ट्रोवर्सीज जानने के बाद कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें. फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.